ओहो मैडम, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे लाख बार समझा दिया, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मेरा पीछा क्यों करता है? आज तू मुझे बता ही दे कि तू कहना क्या चाहता है। चीख डबाक डम डम, तेरा भला हो। कैसे तुम्हारे चीख डबाक डम डम हो रहे हैं? ट्रेन चल लिया आए। देखिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपकी सैलरी जो रहेगी वो 10,000 रुपए रहेगी और उसको बाद में हम बढ़ा के 20,000 कर देंगे। ठीक है तो फिर मैं बाद में आता हूँ। कहाँ हो भैया, बाहर आओ। अरे क्या हुआ मैडम? ये आपने कैसा आटा दिया, बिल्कुल बेकार आटा है ये। अरे मैडम जी, मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा रखता हूँ, कभी आज तक शिकायत ना आई। भैया बिल्कुल बेकार आटा है ये, कभी जिंदगी में नहीं लूंगी आपसे कुछ भी सामान में। अरे पर हुआ क्या बताओ तो सही, सारी रोटियाँ जल गई इस आटे की। गलती खुद की मेरे ऊपर थोप रही है। मेरी गलती कहाँ से हो गई, आटे ही तो बेकार है। खुद से रोटियाँ बनानी आती ना है। मुझे ना पता, इसे वापस करो, मुझे पैसे तो मेरे। पैसे वैसे ना मिल रहे, पहले रोटी बनानी सीखो उसके बाद लियो आटा आगे। तुम बनारस जाओ तो मेरे लिए साड़ी लाना, दुबई जाओ तो मेरे लिए ज्वेलरी लाना, और अगर फ्रांस जाओ तो मेरे लिए एक अच्छा सा परफ्यूम लाना, और अगर नर्क जाऊँ तो एंजॉय योरसेल्फ। भैया दो मार्कर पेन देना। ये लो मैडम। अरे मार्कर पेन। अरे हाँ मार्कर पेन ही तो दिया है। मार्कर मोटा वाला मार्कर, ब्लैक पेन। ऐसा बोलो ना, मार्कर चाहिए। यार सुहेल मेरी शादी होने वाली है, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तू मुझे दहेज में कोई गिफ्ट नहीं देगा? अरे बिल्कुल दूंगा, पता क्या चाहिए तुझे? यार देखना कितनी गर्मी हो रही है, तू एक काम कर मुझे एसी गिफ्ट कर दे। ठीक है कर दूंगा। ले वही सवा तेरी एसी। अबे यार तू मेरे लिए 50,000 रुपए की एसी लेकर आया है। 50,000 की ना, 5,000 की। 5,000 की कैसे? 5,000 रुपए जमा करे हैं मैंने, बाकी की किस्तें तू भरेगी। सारे पैसे तो मैं ही भर रही हूँ। हाँ तू ही भरेगी, 5,000 मैंने जमा कर तो दिए। ले घर पर न लेके जाऊंगा मैं, किस्तें भरती रही चुपचाप, सारे डॉक्यूमेंट तेरे जमा इसमें। अरे पागल सुन तो, कहाँ से भरूंगी पैसे? टाइम पे किस्तें भरती रही है। गाइस मेरे पास एक शादी का कार्ड आया, उस पे लिखा था मेहरबानी करके शराब पीने वाले शादी में ना आए, तो पता है क्या हुआ, दुल्हन ना आया। गाइस मैंने एक बेतुकी कहावत सुनी है कि कबूतर को पानी पिलाने से लड़की सेट हो जाती है। अच्छा तो मैंने आज एक कबूतर को पकड़ के रेडबुल पिला दी, अब देखो क्या रिजल्ट आता है। क्या पता दो चार लोंडिया सेट हो जा और कुछ ना पता रशियन सेट हो जा। अबे साले रेडबुल पिलाइए ना। भाई ये क्या था? कुछ ना भाई, ट्रेन ने पाद मारा है। क्या मैं तुम्हारी आंखों का काजल बन सकता हूँ? लेकिन मुझे तो काजल से एलर्जी है। अरे क्या हो गया कामिल, कैसे सेट बैठा है? यार मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। अबे तो तू टेंशन क्यों ले रही है, जब तक तेरा दोस्त जिंदा तेरा ब्रेकअप नहीं हो सकता। अभी बात करूंगा जाके उससे, अभी आ रही हूँ बात करके उससे। अरे क्या हो गया सवा? वो मेरा ना कामिल से ब्रेकअप हो गया। बिल्कुल सही करा तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। बहुत ही छिचोरा लोंडा, वो चार चार लोंडिया साइड करे पड़ा। दूसरे तीसरे दिन डेट पे लेके जाता हूँ उन्हें, बहुत खर्चा करता हूँ उनके ऊपर। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो कॉफी पे। देखो भाई इस घर में हमें चोरी करनी है आज। ठीक है मैं यहाँ पे खड़े होकर देखती हूँ कोई आना जाए, तुम जाके पूरा घर साफ करो। ठीक है। अरे अभी ये क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ घर की। तेरा भला हो। पागल आदमी, ये सफाई नहीं करनी थी और चोरी करनी थी, घर का सारा सामान चुराना था। तुमने आदत ही ऐसी डलवाई है, रोज तुम उससे सफाई करवाओगे, आदत पड़ गई सफाई करने की। करवाओगे तुम, चलो यहाँ से।
जी मैडम बताइए। वो मैं ना आपकी नई पड़ोसन हूँ, मुझे नींबू की जरूरत है, क्या आप मुझे 2 नींबू दे देंगे? आप 2 मिनट रुकेंगी? हाँ हाँ। गाइस मैं बहुत बड़ी दुर्घटना में हूँ, मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है, वो 4 नींबू गिन के रख के गई है मार्केट। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रही नींबू दूं या ना दूं। कमेंट करके बताइए जरा। यार ना दिए तो यार ये हाथ से निकल जाएगी, मैं सोचूं सैटी हो जावे। ये भगवान क्या जुलूम है। अब भी खड़ी है माँ। एक कम वक्त के मारे किसे उठा लाया? तुमने कहा था ना आते वक्त बाजार से चीनी ले आना, तो चीनी ले आया। तेरा भला हो। अरे चीनी, चाय वाली चीनी, शुगर। क्या चीनी? क्या? अरे भैया मुझे नहीं चाहिए इसकी। नमस्ते, तुझे छोड़ के आया थे? बाप इसने छोड़ के आऊंगा, बहुत खतरनाक कराटे हमें यही मारेगी लोटा लोटा के मुझे। क्या देखो मान ने कह रही है, अगर वापस छोड़ जाऊंगा तो। अगर तू इसे नहीं छोड़ के आया तो मैं तुझे लोटा लोटा के मारूंगी। गाइस बाप का हथियार होता है बेल्ट, ठीक है, और माँ का हथियार होता है झाड़ू, ठीक है, और भाई का हथियार होता है मुक्का, समझ गया। तो बीबी का हथियार क्या होता होगा? कमेंट करके बताइए जरा, अगर किसी को पता हो तो। बड़ा कंफ्यूज हूँ यार रात से। अरे कहाँ रह गए थे? कपड़े निकालना था, वो भी पूरे नहीं निकाले। यार मुझे डर लग रहा है। यार तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम मुझे भगा के थोड़ी देर लेके जा रहे हो, मैं लेके जा रही हूँ तुम्हें। ठीक है चलो। यार फिर भी मुझे डर लग रही है, अगर तुम्हारे घर वाले मिल गए तो। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। अब क्यों रुक गए? तुम्हारे भैया। भैया ये मुझे जबरदस्ती भगा के लेके जा रही है। बेबी मेरे ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात, अभी लो। अरे हो गया बेबी ठीक? हाँ बाबू। अरे भाई साहब बवासीर का भी इलाज करो क्या? अबे बुड्ढे ज्यादा ना बोल लिया तू, बताओ वहीं कोई आके। देख लो यार अगर कर दो तो, बड़ा परेशान हूँ। अभी यही मुँह छेद देगी तेरा। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ले जा भैया ले जा, वैसे भी कल को रक्षाबंधन है। कल को रक्षाबंधन? और अबे यार मेरा एक लड़की पे तो क्रश है, अगर उन्हें भी राखी बांध दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। एक काम कर तू ले ले मेरे हाथ। ना भैया तू ले मेरे हाथ। यार भैया ले ले देखिए यार। गब्बर देख तुझे मेरी कसम है, तुझे ही लेने पड़ेंगे मेरे हाथ। यार ले जा यार। ठाकुर साहब तुम्हें सबसे ज्यादा प्राउड कब फील होता? रक्षाबंधन वाले दिन। भाई राखी राखी हारा लोडी है साइड है उससे।